चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 11वीं की जो आपकी राजनीति विज्ञान, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के नाम से जो बुक्स है उसी को हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले आप जानते होंगे कि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं जो आपकी सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, और इन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। ठीक है, वो कक्षा 11वीं की जो आपकी पहली बुक्स थी राजनीतिक सिद्धांत, जिसे आप पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, उसे भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी तक आपकी जितनी भी क्लासें ली गई हैं एनसीईआरटी से संबंधित, वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई थी हम लोगों ने, उसी में डली हुई है। इसमें भी आपका एक चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके थे, पहला चैप्टर इसमें कवर कर चुके हैं, संविधान क्यों और कैसे, इसके बारे में बड़े विस्तार से हम लोग बात कर चुके थे। आज का चैप्टर है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय संविधान में अधिकार। आप जानते हैं कि आपको अधिकार मिले हुए हैं, पहले आपको 7 अधिकार मिले हुए थे। भाग 3 में आप देखते होंगे आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और इन्हें कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका है जो यूएसए, इससे प्रेरित है। कहां से लिए गए हैं? इसी से लिए गए हैं, यूएसए से। और 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे आप लोग कहते हैं, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और संविधान का जो आपका 12वां भाग है उसमें 300 आर्टिकल 300A में इसे जोड़ दिया गया है। तो ये भी कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है या वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपका कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो याद रखना है आपको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, और कहां जोड़ दिया गया? भाग 12 में आर्टिकल 300A में। ठीक है, और आपके अब कौन कौन सा अधिकार बचे हुए हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और जो 6वां है वो संविधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण आपका आर्टिकल 32 है, जो आपको एक तरह से रक्षा करता है आपके अधिकारों की। आप सोचिए, आर्टिकल 32 ना होता तो क्या आपके अधिकारों का कोई मायने रखता? आपके आर्टिकल का मतलब आपके अधिकारों का कोई भी हनन करता और चला जाता, आप कुछ नहीं उखाड़ पाते उसका। लेकिन आर्टिकल 32 के तहत आपको सुप्रीम जाने की आज्ञा मिली, एक तरह से क्या मिली हुई है? सुरक्षा मिली हुई है आपका, आपकी एक तरह से अधिकार है। आप अगर आर्टिकल का आपकी किसी भी जो भी अधिकार दिए गए उसमें कोई भी हस्तक्षेप करता है, कोई उसका उल्लंघन करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये दोनों न्यायालय आपकी रक्षा करेंगे आपके अधिकारों की। चलिए, इसमें विस्तार से हम लोग पढ़ लेते हैं, और इसमें बहुत कुछ जानने के लिए है आज, बस आपको बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है या सुनना है। और मुझे लगता है कि इस बुक्स में जो भी बुक्स आपकी कवर की जा रही है, इसमें कुछ भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। आप अगर बड़े धैर्य के साथ अपने आप से भी पढ़ते हैं तो आप कवर कर पाएंगे। बस 1 से 2 बार आप लोग पढ़ लीजिए, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या सिर्फ इतनी थी कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ मिलेंगी, तो इसका समाधान कर दिया गया है। सभी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में नहीं बताता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के 3रे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख किया गया है। बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी। इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। कौन कौन सी बातें होंगी? भारतीय संविधान कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उन अधिकारों की व्याख्या या फिर सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, और मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। एक बात और आपको बताऊं, अब आप सोचिए, कोई राज्य सरकार निरंकुश भी तो हो सकता है, तो इस पर भी पाबंद लगाए गए हैं कि आपके अधिकारों का अगर वो उल्लंघन करती है तो आपकी सुरक्षा के लिए न्यायालय आपके सामने खड़ा हुआ है। और एक बात हमेशा और याद रखिए, अब जैसे आपको बोलने की आजादी है, आर्टिकल 19 आप जानते होंगे, तो ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली देने लग जाए,
तब भी कुछ अपवाद है आपके अधिकारों पर, एक तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अधिकारों की सीमा वहां तक होती है जहां की दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। और आप जानते हैं मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि न्यायालय में जाने की आपकी छूट मिली हुई है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं ये राज्यों की स्वेच्छा पर निर्भर रहते हैं। इसके विरुद्ध अगर आपको आर्टिकल किसी भी जो 36 से लेकर आपके 51 तक है इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं इसके विरुद्ध, ठीक है। अधिकारों के अगर महत्व की बात करें कि क्यों महत्वपूर्ण है, तो 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था। इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उन्होंने दलील दी है कि तय की गई न्यूनतम दूरी मजदूरी से बहुत कम मजदूरी देना बेगार या फिर बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। एक बात आपको और बताऊंगा आपको कि इसके अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कहीं, तो ऐसा नहीं है कि आप ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसमें आपके कोई तीसरा पक्ष भी इसमें जा सकता है, समझ रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि आपके अधिकारों का हनन कोई कर रहा है तो मैं भी आपकी तरफ से जा सकता हूँ, ठीक है। और आप जानते होंगे कि जो आर्टिकल आपका 23-24 है, 23 और 24, इसमें दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि शोषण किया जा रहा है, बेगार बंधुआ मजदूरी, तो इसके विरुद्ध भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करेगा। मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 साल का था, कितने 20 थी। लालुंग असम के मड़ीगांव जिले के चुबोरी चुबोरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूम में भर्ती किया गया और वहां उसने सफलतापूर्वक इलाज किया। और डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 1996 चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्याय की हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया, उस समय वह 77 वर्ष का था हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसने मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है। जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला है। एक बात और आपको बताऊं, हमारे यहाँ न्यायालय प्रक्रिया यही धीमी है। कई बार आप सुनते रहते होंगे कि एक महिला थी उसका बलात्कार हुआ, उसके बाद सामने वाले जिस व्यक्ति ने किया उस पर केस चलता है, उस महिला के निर्णय जब आता है उस महिला को मरे हुए 10 साल गुजर जाते हैं। इतनी धीमी प्रक्रिया है। एक व्यक्ति को जेल में रखा जाता है, उसमें आप देखते हैं कि जब उसका निर्णय आता है तो 25 साल गुजर जाते हैं और उससे कह दिया जाता है कि आप निर्दोष हो। तो इन दोनों व्यक्तियों पर आप देखते होंगे कितना, मतलब क्या गुजरती होगी कि जीवन का एक बड़ा हिस्सा ये लोग खत्म कर चुके हैं, अपना बे मतलब मैं आपका गुजार चुके हैं, फिर इनसे कहा जा रहा है कि आप निर्दोष है, आपने कोई दोष नहीं है, मतलब आपने कोई गलत काम नहीं किया। तो ये भी बहुत लंबी प्रक्रिया देखी जाती है और ये अधिकतर आपको देखने को मिलेगी गरीबों में, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है उसी के मामलों में देखने को मिलेगी, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि उनके लिए न्यायालय भी खुल जाता है, सब कुछ हो जाता है उनके लिए, और गरीब होते हैं तो उनकी पेशी पे पेशी चलती रहती है इस तरह की और चलता रहता है। मचल का पूरा जीवन व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही ना हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हम नागरिकों को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान दिए गए अधिकारों के व्यवहार अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? प्राप्त नहीं होते हैं आपका। आप जानते हैं कि आर्टिकल 21, ये कई बार आपका
प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बन चुका है। इसमें आपको प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। और आपको मालूम होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले एक प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आया हुआ था आपका कि लव मैरिज यानी कि अपने मन से शादी करनी कौन से आर्टिकल के तहत आपको आजादी मिली हुई है, तो आर्टिकल 21 के तहत उसमें दिया गया था। ठीक है, अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता? यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? क्या उसके साथ भी अधिकारों का इसी तरह से हनन होता है? अधिकतर मामलों में आपको देखने को मिलेगा जो गरीब निचला तबका है उसी के माना उसके उसी के अधिकारों का हनन होते हुए दिखाई देगा। अभी हाल ही में आपने एक टीवी रिपोर्टर के बारे में देखा होगा जो चिल्लाता रहता है पागलों की तरह। हो सकता है आप में से कई उसके पक्षधर भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ अच्छी बातें कहता है आपके मन से। हो सकता है आपके लिए अच्छी कहता हो। आपने देखा है कि उसे गिरफ्तार किया गया और कितने जल्दी न्यायालय ने भी उस पर फैसला दे दिया है। इतने जल्दी आप देखेंगे न्यायालय किसी पर पक्ष में मतलब किसी आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है उस पर फैसला नहीं सुनाता है, उसका तो बढ़ता रहता है, उसकी मालूम ही नहीं चलती है कि फाइल आखिर है कहाँ। और आप अभी पैसा दीजिए किसी वकील को, वो आपके फाइल को ऊपर रखवा देगा, तो ये भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई है। इसके बाद मजदूरों को उचित मजदूरी मिली और जिसके वे हकदार थे, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका है। अब बात करते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों को की इसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उस उपचार सुनिश्चित करता है। अब प्रॉब्लम ये है, अधिकार तो आपको दे दिए गए हैं लेकिन आप उनका उपयोग कितना कर रहे हैं। एक बात हमेशा बोली है मैंने कि जो आपको अधिकार दे दिए गए, जो सुविधाएं आपको मिली हुई है, इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। बस फर्क इतना है कि आप लोगों ने उसकी कीमत नहीं चुकाई है। आपको जो आजादी मिली हुई है इसके पीछे आप देखिए कि हजारों हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए हैं। आप जानते हैं कि सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह इनके खेलने खाले की उम्र थी, बहुत छोटी छोटी उम्र में आपके लिए शहीद हो गए, तो आप कम से कम उनकी कीमत तो समझिए आप लोग। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सूचना का अधिकार मिला हुआ है, लोकपाल आपको मिल चुका है, आप लोग ना के बराबर इसका उपयोग करते हैं। आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप चुपचाप बैठे रहते हैं। एक सोचिए, आप एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आपके लिए आंदोलन किया तब लोकपाल और सूचना का अधिकार मिला हुआ है, तो कम से कम इसकी कीमत तो समझिए। लेकिन आपके लिए इनकी कीमत कुछ भी नहीं होती है। वो कहा जाता है ना कि आसानी से मिली हुई किसी भी चीज की कीमत नहीं होती है। जब उसकी उस वो हम अपनी मेहनत से पाते हैं तब हमें मालूम चलता है अच्छा इसमें इतनी मेहनत लगती है, तो कोई भी आसानी से मिल जाए चीज तो उसकी भी कदर कर लिया करिएगा। ठीक है, और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहा करिएगा। और भी आप देखते हैं आसपास पास हर व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। आप सोचते हैं हमें क्या मतलब है, वो सोचता है वो इतना कमजोर है कि वो आवाज उठाने के लायक भी नहीं है, तो ये कर्तव्य आपका भी बनता है कि आप भी उठाएं। जो भी देखिए, अगर आप इस तरह चुप रह के, मैं मानता हूं कि 200 साल भी जिए तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, लेकिन अगर गलत के खिलाफ बोल के आप 10 साल भी जिए तो बहुत कुछ हो सकता है, इतिहास में आपको हमेशा याद रखा जाए। सहते हैं, संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठनों से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या फिर न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। अपवाद कहने का मतलब यह है, आप जानते हैं कि आरक्षण का जैसे प्रावधान रखा गया है, समझ रहे हैं आप लोग, ये एक तरह से इसमें ना तो न्यायपालिका आपके पक्ष में कुछ निर्णय दे सकती है और ना ही राज्य सरकार या कोई भी काम नहीं कर सकता है। मान लीजिए आप देखेंगे कहीं आपको ऑफिस में काम करते हैं, वहीं एक विकलांग व्यक्ति भी काम करता है,
उसके लिए स्पेशल कोई सीढ़ी लगाई जाती है आने जाने के लिए, तब क्या आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, उसे स्पेशल यानी कि कुछ अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं? नहीं ना, क्योंकि उसकी स्थिति को भी देखा जाता है उसमें कि वो किस स्थिति में है, उसकी स्थिति के हिसाब से वो अधिकार उसके हैं। और या हो सकता है कि सबसे अच्छी बात यही रहती है, आपको अगर समझना है ऐसे तो आप उसकी जगह अपने आप को देखिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी काम करना है, तो एक समय के लिए उसके सामने वाले के पास अपना जगह अपने आप को रख के देखा करिए और सोचा करिए कि आप उसकी जगह होते आप क्या करते, क्या तब भी आप विरोध करते? ठीक है, मैं समझ गया। अधिकारों का घोषणा पत्र तो उस वारंटी का कार्ड की तरह है जो हमें टीवी या फिर पंखा खरीदने का पर मिलता है ना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करें, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी। अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों का के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी, इसे भी याद रखना है। ठीक है, अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक ही थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया था जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। मौलिक अधिकार अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है, जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है। वहीं मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसकी गारंटी और सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित भी कर सकती है, लेकिन आप देखेंगे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अगर जो सामान्य अधिकार दिए गए हैं इसके लिए संसद भी आपका संशोधन करके बदल सकती है, लेकिन आपको अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन मतलब बदलना है, एक तरह से संशोधन करना है, तो आपको सीधा संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर उचित पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है उस स्थिति को देखते हुए। आप समझिए, आप लोग आर्टिकल जब 352 के तहत आप देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, उस समय आपके अधिकारों पर हनन भी होता है, एक तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है, तो अपवाद कह सकते हैं उसमें। क्या कह सकते हैं? अपवाद कह सकते हैं। यहां भी देखिए आप लोग, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ है। कब? 1996 में। जिस तरह से आप देखते हैं हमारे जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, उसी तरह नेल्सन मंडेला को भी वहां क्या कहते हैं? तो राष्ट्रपिता कहते हैं। इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है और यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय और सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार दिए गए हैं, जैसे गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई समुदायों का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। एक बात और आपको बताऊं, मैंने हमेशा कहा है आप लोगों से कि मैं तो चाहता हूं कि संविधान में इस तरह का अधिकार आपके में भी जोड़ दिया जाए। जिस तरह आप जानते हैं कि 86वीं संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसमें जोड़ दिया गया कि आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया। इसे मैं कहता हूं बहुत पहले जोड़ देना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं कि जिंदगी भर जो भी जितनी भी लंबी शिक्षा होती है, फिर चाहे आपको सिविल सर्विस की तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फ्री होनी चाहिए शिक्षा। और दूसरी क्या होना चाहिए?
स्वास्थ्य व्यवस्था से फ्री होनी चाहिए। 10 लाख का इलाज हो रहा है उसका, 10 करोड़ का हो रहा है, फिर चाहे सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है, सरकार बिल्कुल फ्री होना चाहिए। या फिर इतनी मतलब आप समझिए इतना पैसा रखना चाहिए उसकी क्रय शक्ति की, कम से कम हर व्यक्ति उसे अफोर्ड कर सके, या फिर व्यक्ति की स्थिति को देखकर आप लोग उसे समझें और उस पर जो भी खर्चा आता है उसे दें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक तरफ से आप देखिए कि एक तरफ आप देखें कि सरकारी हॉस्पिटल में पड़े पड़े मर जाते हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि वीआईपी लोग होते हैं जो अपने यहाँ छोड़िए विदेशों में इलाज जाकर करवाते हैं, ऐसी व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। और यही वो अपने आप को समझिए एक नीचा समझते हैं, अपने सम्मान को एक तरह से नीचे रख देते हैं कि उन्हें बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। एक तरफ आप देखते होंगे कि वीआईपी एक स्कूल होते हैं और एक सरकारी स्कूल होते हैं जहां बच्चों को भेजने की बजाय वो घर में ही बैठा के रखते हैं। दिल्ली सरकार ने अच्छा काम किया है, आप माने या ना माने, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। आप देखेंगे इससे अभी सरकारी स्कूल का रिजल्ट आया हुआ है, प्राइवेट स्कूलों का भी रिजल्ट आया हुआ है। सरकारी स्कूलों के बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से बेहतर स्कोर किया है, समझे आप? आप देखेंगे जो सरकारी हॉस्पिटल है उसका बेहतर इलाज हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो उसमें सरकारी हॉस्पिटलों में भी सुविधाएं उपलब्ध हैं आपको। तब जाकर आप देखेंगे कि हर व्यक्ति की कौन सी सुविधाएं हैं मूलभूत। आप देखेंगे शिक्षा स्वास्थ्य अगर ये मिलते रहे तो वो खुश रहेगा, लेकिन बाकी राज्यों में आप देखेंगे इस तरह के कोई वो नहीं है, मुद्दे भी नहीं रहते हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो कह रहा था कि मैंने काम किया हो तभी मुझे वोट देना वरना मत वोट देना। यहाँ आप देखते हैं आपके नेता साहब आते हैं और कहते हैं कि अब हम काम करेंगे, अभी तक बेवकूफ बना रहे थे लेकिन अब हम काम करेंगे, और वो कहते रहते हैं जिंदगी भर। कहाँ पहुंचे क्या समझे? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों के घोषणा पत्र से करें, उन अधिकारों की एक सूची बनाएं, दोनों संविधान में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में हो पाए हो पर भारत में नहीं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हों पर भारतीय संविधान में निहित माने जाते हैं। इसे आप लोग जब अपने अधिकारों को देख लेंगे उसके बाद आप इनकी तुलना करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है? अब बात करते हैं समता का अधिकार, जो आपका आर्टिकल है समानता या समता का अधिकार, इसे देख लेते हैं। निम्न दो स्थितियों पर विचार कीजिए, एक काल्पनिक स्थितियां हैं पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं, क्या आपको उनके उनमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन दिखाई देता है? स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई, दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था और उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था। ये घटना आप लोग अभी भी देखते रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं कि अभी भी ये खत्म हो चुकी है, अभी भी इस तरह की आप भेदभाव देखने को मिलेगा। और इस स्थिति में आप समझिए अगर आप इस दलित की जगह होते तो आप क्या अपने आप को सम्मान की नजर से देख पाते हैं या अपने आप को किस जगह रखते हैं? दूसरा है टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया है कि आगे भी समाचार ना पढ़े, वे सभी महिलाएं थी। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुकी 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि न्यायालय ने फैसला दिया होता केरल सबरीमाला मंदिर के मामले में, वहां भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, पुरुषों को जाने की अनुमति थी। मैं तो एक ही सोचता हूं कि जो धर्मगुरु एक गढ़ मतलब एक तरह से गढ़ देते हैं धारणाएं, वो पागल होते हैं क्या? या मतलब आप सोचिए कि जिस महिला ने आपको जन्म दिया और आप जाके वहां पुजारी बनकर बैठे हुए हैं, वो अछूत हो गई, वो अशुद्ध हो गई लेकिन आप शुद्ध हो गए, ये कहाँ का नियम हो चुका है? और आज आपको देखने को मिलेगा कि महिलाएं कई जगह कई क्षेत्रों में झंडे गाड़ चुकी हैं। आप अपने ही क्षेत्र को देख लीजिए, इसमें आपको देखने को मिलेंगी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अब कहीं ये धारणाएं गलत हो चुकी हैं कि वो कमजोर हैं, अब कमजोर वही हैं जो अपने आप को कमजोर समझे हुए हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय संविधान, भारत का संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार। आप जानते हैं भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों का एक तरह से दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे कि
आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, पहले आप जानते हैं सात हुआ करते थे, अब आपके छह बचे हुए हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। समता के अधिकार, कानून के समक्ष समानता, कानूनी के कानूनों के समान 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 संरक्षण। कहने का मतलब है कि कानून के समक्ष सबको समानता होगी और कानून से सबको समान संरक्षण मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप दलित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। आप किसी भी जाति के कोई भी हो, आपको समान कानून संरक्षण देगा। ऐसा नहीं है कि विधायक जी को अलग से कुछ मिले और आपको अलग मिले, लेकिन अलग ही है। लेकिन क्या है, आजकल आप देखते होंगे कि विधायक जी को अलग ही व्यवस्था हो जाती है क्योंकि वो पैसे वाले। लेकिन आपके संविधान ये भेदभाव नहीं करने की देता है, वो तो क्या है कि उनकी चलती है इसलिए करते रहते हैं। आप देखेंगे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निश्चित है। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नानों घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता दी गई है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि धर्म, आपका धर्म कोई भी हो, मूल वंश कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लिंग किसी भी, महिला हो, पुरुष हो, या किसी भी थर्ड जेंडर हो, या फिर आपका जन्म स्थान कहीं का भी हो, आपसे कहीं भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी दुकान में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, कुओं पर जा रहे हैं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, इस पर आपको जानवर की छूट होगी, फिर चाहे आप अमीर हैं या किसी भी जेंडर के हों, जाति के हों। ठीक है, अगर इसका भी उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि 1955 में एक आपका वो अधिनियम आया हुआ था, फिर आप जानते हैं 1989 में आया हुआ था, 1993 में भी आया हुआ था। ये इसी तरह के जो भी भेदभाव होते थे इन्हीं को समाप्त करने के लिए एक तरह से आए हुए थे। आपने देखा होगा MPPSC में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे बहुत बड़ी संख्या में एक तरह से प्रीलिम्स में। लेकिन अब आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया पाठ्यक्रम, तो अब देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे तो जाएंगे, इतना तो संभव है। फिर आप देखेंगे रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत, ये आपको समता के अधिकार में देखने को मिलेगा। फिर आप देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो समता या जिसे आप लोग समानता का अधिकार कहते हैं, इसे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है बाइडन इसका। ठीक है, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार बात करें तो 19 से लेकर 22 तक इसकी व्याख्या की गई है। इसमें क्या क्या है, व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आपको भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की, कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार। याद रखिए ये अधिकार वो है, इन पर पाबंद भी लगाया जा सकता है। आप समझिए, आप लोगों को कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, आप कैसे कोई ऐसा संगठन बनाए जो शांति, एकता और अखंडता भंग कर दे देश की, तब आपके संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और आपको सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, फिर आप देखेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, और फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर अधिकार पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, ये आपका आर्टिकल 23-24 में व्याख्या की गई इसकी। ठीक है, फिर आप देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपका वर्णन किया गया है इसका। इसमें क्या क्या है, आस्था और प्रार्थना की आजादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आजादी, किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें भी पाबंदी लगाई जा सकती है, आप समझिए एक देश के लिए अगर नुकसानदायक है तब भी एक तरह से पाबंदी लगाई जा सकती है, सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, और एक समय तब भी होगा जब आप समझिए कि धर्म मानने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन अगर आप लालच में किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करवाते हैं, या आप समझिए कि वो लालच में धर्म परिवर्तन करता है या जबरदस्ती करता है, तब सरकार हस्तक्षेप करेगी इस पर। ठीक है, फिर आप देखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। ये आर्टिकल आप देखेंगे 29 और 30 इससे संबंधित है। ठीक है, फिर आप बात करेंगे संविधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण आपका अधिकार है आर्टिकल 32 में जो संविधानिक अधिकार दिया गया है, यही है। आप जानते हैं इसे एक तरह से जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे, इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है उन्होंने 32 को। क्यों कहा है, इसलिए कहा है कि बाकी अधिकार आपको हजार दे दिए गए, जब आपके अधिकारों का हनन होता है और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो
कोई आपकी रक्षा करने के लिए ना हो तो आपके अधिकारों का मतलब क्या रह गया? कुछ नहीं। तो इसीलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा जाता है, आपके अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भेदभाव की स्पष्ट उदाहरण है, जो दो ऊपर उदाहरण दिए गए थे उन्हीं की बात कर रहा हूं। एक में जाति और दूसरा में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? बिल्कुल नहीं। समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआ, स्नान घाट, पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। यही उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के अधिकार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। और आपने देखा है जो सबरीमाला, इसमें पुरानी ही परंपराओं पर लोग बैठे हुए थे। अभी में ही आप मुस्लिमों में भी देखेंगे, किसी भी धर्म कोई अछूता नहीं है, सभी धर्म में इस तरह का भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। आप देखते हैं कि एक समय हुआ करता था कि मंदिरों में दलितों को जाने की आजादी नहीं थी, वहां आप देखते थे कि उन्हें रोक दिया जाता था, तो न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप किया और उसमें निर्णय दिया। अब जाते हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर कहीं अब वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है या फिर जिन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं, वही लोग इससे वंचित हैं, उन्हीं के अधिकारों का हनन हो रहा है। क्योंकि अब आप किसी भी जाति के हैं, आपको अगर मालूम है कि आपके अधिकार हैं तो आप जा सकते हैं, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुरक्षा भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, और राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा या गरिमा प्राप्त हो सके। कहने का एक सीधा सा मतलब यह है कि आप अपनी दम पर कुछ उखाड़ पाते तो वही आपका उखाड़ पाना है, बाकी अगर आपका बाप या आपके परिवार कोई आपको सम्मान देता है तो वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए। कहने का सीधा मतलब आप समझे कि राज्य किसी को कोई व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन अगर वो सेना में है या शिक्षा में है और उसने अच्छा काम किया है, उसके उस लिए यानी कि उसके काम के लिए उसे कोई मेडल मिलता है या कोई सम्मान मिलता है तो उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 17 में तो अस्पृश्यता का अंत कहने की बात की गई, लेकिन आर्टिकल 18 में कहा गया कि राज्य सेना या फिर विधा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है, सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है। क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है या समानता को कैसे परिभाषित करती है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। मैंने कहा था आप लोगों से उस समय भी कि अगर आप उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को अच्छे से समझिए तो पूरा संविधान उसी पर केंद्रित है, उसी के चारों ओर घूमता हुआ आपको मिलेगा संविधान आपका, तो उसे अच्छे से रट लीजिए। एक तरह से मेरा कहने का मतलब यह है कि कंठस्थ याद कर लीजिए, उसे ही अपना हनुमान चालीसा आप समझिए और सुबह शाम रटते रहिए। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं या सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में सुना होगा। आपको संभवतः आश्चर्य भी होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। यहाँ आप लोगों को अपने अधिकारों का हनन होते हुए दिखाई देगा। चलिए इससे पहले हम लोग बात करें, यहाँ देख लें, एक पॉइंट दिया गया था अनुच्छेद 16(4). इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कहें यहाँ कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो मैं भी इस पक्ष में हूं कि आर्थिक रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। और आपने देखा होगा ये क्रीमी लेयर की अवधारणा भी आई हुई थी। क्रीमी लेयर का सीधा सा मतलब होता है कि आप लोग जब दूध को उबालते हैं तो उसमें क्रीम आ जाती है, उसमें आप देखते हैं कि ऊपर कुछ मटेरियल आ जाता है, उसे निकाल कर बाहर कर देना। तो ये अवधारणा एक तरह से किस पर, ओबीसी पर तो लागू है, लेकिन एसटीएससी पर ये लागू नहीं है। यानी कि जिनकी स्थिति सुधर चुकी है, जो लाभ पा चुके हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाए इससे आरक्षण से,
ठीक है। लेकिन सरकार ने एक काम भी तो किया है, 10% आरक्षण सामान्य जाति के लिए भी रख दिया है, तो ये भी अच्छी सुविधा है, अब आपको भी काफी सहूलियत मिल रही है। और आप समझिए कि मैं कहता हूं कि दलित के लिए आप लोग कोई बात करते हैं, या मैं माफ करिए, दलित मेरा मतलब किसी को जाति को नीचे देखना नहीं है, मेरा इतना है कि समझा दूं आपको किसी भी तरह से, या महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, आप अपने घर से ही देख लीजिए, आप जानते हैं कि आपकी सिस्टर है और आप हैं, तो आपको शिक्षा के लिए बेहतर बेहतर शिक्षा के लिए प्रावधान रहता है, आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, देश के विदेश जाना चाहते हैं, घर वाले आपके आसानी से भेज देते हैं, वहीं आपकी सिस्टर को देखिए आप लोग, क्या उसे भी वही सुविधाएं मिल रही हैं? और मुझे लगता है कि अगर दोनों को बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं जन्म से लेकर, तब मुझे लगता है कि आपको सिस्टर आपकी सिस्टर को कभी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हमारे समाज में आप सोचिए, जन्म से पहले से ही एक तरह से आपके भेदभाव करने लगते हैं, जन्म लेने से पहले ही, आप समझ रहे हैं, जब माँ की कोख में आती है कोई भी बच्ची, तो आप देखते होंगे कि एक सुविधा हो चुकी है, ये सुविधा बनाई गई थी इसलिए कि कम से कम उस बच्चे में जो भी प्रॉब्लम हो उसे ठीक किया जा सके, लेकिन आजकल उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग कैसे हो रहा है कि अल्ट्रासाउंड में देख लिया जाता है कि ये बच्चा है या बच्ची, अगर बच्ची है तो उसे मार दिया जाता है, जिसे आप लोग भ्रूण हत्या कहते हैं, और अगर बच्चा है तो उसे सुरक्षित अच्छी तरह से उसका ध्यान रखा जाता है। फिर आप बचपन में आते हैं, तब भी आपके भेदभाव मिलने को, जिंदगी भर एक तरह से भेदभाव देखने को मिलता रहेगा, तब क्या अभी तब भी आप समझेंगे आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। या दलित के बच्चों को देख लीजिए आप लोग, कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में कम हुए नहीं देख रहा है, आपका बच्चा वीआईपी स्कूल में पढ़ रहा है, आपका जो दलित का है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और सरकारी स्कूल की हालत क्या है ये चक जाहिर है, एक तरह से दुनिया जानती है, हमारी जो आपकी छोड़ी है, क्या तब भी आपकी बराबरी कर पाएगा वो? मैं कहता हूं कि उसे बचपन से ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके बाद आरक्षण की हटाने की बात कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं 1947 में जब हम आजाद हुए तभी ये जाति शब्द हटा देना चाहिए था एक तरह से, तो ये एक तरह से नुकसान ही ना होता, इसका नुकसान कौन देश झेल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले जापान के प्रधानमंत्री का कहीं अब मैं भाषण पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं कि 1945 में परमाणु बम गिराए गए जापान के पर अमेरिका के द्वारा, द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं, उसके बाद भी आप देखते हैं कि विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ है अमेरिका, बात करिए जापान, क्यों? क्योंकि वहां इस तरह की जातीय भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा आपको, जापानी कहे जाते हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हम दलित हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम इस जाति के, हम इस जाति के, और इसी के नाम पर नेता लड़ाते रहते हैं, अपनी वोट बैंक बटोरते रहते हैं, अपनी रोटियां सेकते रहते हैं, आप पिछड़ते रहते हैं, आप समझिए, मुद्दे होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, तब आप सोचिए आपका देश भी आगे बढ़ेगा और आप भी आगे बढ़ेंगे। तो एक कहावत है ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप सोचिए कि बिना शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पाए, बिना खुशहाली पाए, आप देश की सेवा कर सकें, देशभक्ति दिखा सकें, ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि जब आपके पास खाने के लिए नहीं होगा तो आप देशभक्ति दिखा पाएंगे? आप ही आपने देखा होगा कि चाइनीज सामानों पर बैन लगाया जा रहा था, प्रतिबंध लगाया जा रहा था, या कई बार आप सुनते रहते हैं बॉयकॉट चाइना की सामानों की बात की जाती है, क्या कभी सफल हो पाए? आपके ही देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी देश आज तक सफल नहीं हो पाया। चलिए मान लेते हैं कि आप फोनों का, उनके फोन का एक तरह से चाइनीज फोन, आप समझते हैं कि 4 फोन अगर आपके यहाँ बिक रहे हैं तो उसमें से 3 कंपनी कहाँ की है? चाइना की। क्या आप 3 फोन को रोक सकते हैं? आप डिजिटल भारत का क्या होगा? हाँ, एक तरह से रोका जा सकता है कि इन फोन की जगह आप लोग इतना ही सस्ता, इतने ही फीचर्स, इतनी ही सुविधाओं वाला दूसरा फोन आपके सामने रख दिया जाए, कम से कम आपके पास विकल्प तो होगा। मान लीजिए सिविल सर्विस है आपका, इसमें आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में 4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी पर भी टिक लगा सकते हैं। मान लीजिए एक ही ऑप्शन हो तो आप क्या करेंगे? आप उसी पर टिक लगाएंगे, तो यह ऑप्शन तो आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा, ये कहां से मिलेगा? शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था आपको बेहतर करनी होगी, ठीक है। खैर छोड़िए, अलग बात है, और ये चलता रहेगा, और 1947 से चल रहा है, धड़क रही है गाड़ी, अभी भी धड़कती रहेगी, आपके पड़ोसी हैं, कई सूचकांक आते हैं, उनकी बेहतर स्थिति हमसे, समझ रहे हैं? वास्तव में संविधान का अनुच्छेद
16:4 साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए जरूरी भी है। इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझिए कि सभी के को ध्यान में रखना होगा। और मैंने बोला है ना कि किसी अगर कोई समस्या आपको लगती है तो उस जगह अपने आप को रख के देखना, उस व्यक्ति की जगह, जैसे आरक्षण की सुविधा मिल रही उसकी जगह आप लोग रख के देखिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये गलत है, चलिए मान लेता हूँ गलत है। मान लीजिए आप एक न्यायाधीश हैं, आपको उड़ीसा के पूरे जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य हदी बंधु से एक पोस्टकार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसने उसके समुदाय के पुरुषों ने उस पिता का पालन करने से इनकार कर दिया है जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाह उत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले उस समुदाय की चार महिलाओं को पीटा गया, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया और पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने, बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। यह मानते हुए उपयुक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इसमें सरकार को क्या करने का आदेश देंगे? अब बात आती है यहाँ समझने की, ये इस प्रथा को अभी भी आप लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? अभी भी इस प्रथा को कई क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। यहां तक आप सुनते रहते हैं कि कहते हैं कि घोड़ी नहीं चढ़ने दी दलित के किसी व्यक्ति को, उसकी शादी में घोड़ी को उपयोग नहीं करने दिया, समझ रहे हैं? तो इस स्थिति में भी आप देख सकते हैं, आप यही निर्णय देंगे, क्या निर्णय देंगे कि गलत है, आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, आपका शोषण हुआ है एक तरह से, आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुरक्षा दे। इसमें यही देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अनुच्छेद 21, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब चलते हैं हम लोग, इसी में आर्टिकल 21 में बहुत से संशोधन होते रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या जुड़ता रहता है, आप जानते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले शिक्षा की बात की है, इसमें लंबे रहे जो बात कहते हैं जो आजकल ज्यादा चल रही है, इस पर भी आप देखते हैं कि यही आपको स्वतंत्रता यहीं से मिली हुई है, आर्टिकल 21 से। बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आप देखेंगे आर्टिकल 19-22 तक आपका दिया गया, कितना 19-22। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है कि चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे। अब कहने का मतलब यह है सीधी सी बात कि अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की आजादी आपको दी गई है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको इतनी बोलने की आजादी है कि दूसरे के अधिकारों की ऐसी तैसी कर दें आप। ऐसी तैसी कहने का मतलब यह है सीधा सा कि दूसरे के अधिकारों का आप उल्लंघन करने लगे, ठीक है। यदि ऐसा करने की इजाजत दी जाए तो बहुत सारे लोग अपने स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। एक तरह से वही है कि आप अपने यहाँ पार्टी करिए, पड़ोसी भी अपने यहाँ पार्टी करे, इसमें कोई दुर्भाग्य मतलब गलत नहीं है। गलती तब होगी कि आप पार्टी कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, उसका जो भी खराब सामान है उसे पड़ोसी के घर में फेंक दे रहे हैं, तब आपकी स्वतंत्रता एक तरह से नुकसानदायक है, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। ना तो आप आनंद उठा सकेंगे और ना ही सामने वाला आनंद उठा सकेगा, ठीक। सबसे बड़ी अभी तक एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, क्या लगा है कि आखिर कहां अपवाद कहा जाए, कहां एक तरह से अधिकार, कितने अधिकार हो आपके, कितने अधिकार ना हो। इसीलिए आप देखते हैं समय समय पर अधिकारों में संशोधन भी होता रहता है, नए नए अधिकार जुड़ते रहते हैं। अब मान लीजिए कल हो सकता है कि आपको शिक्षा का, पूरी शिक्षा अभी जो 14 साल तक रखी गई इसे अनलिमिटेड यानी कि असीमित रख दी जाए, जब तक आप पढ़ते हैं तब तक आपको सुविधाएं दी जाएंगी या स्वास्थ्य सुविधा जोड़ दी जाए, तो ये भी हो सकता है आगे आने वाले समय में। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें कानून एक आदमी की जिंदगी ले सकता है, यह तो अजीब बात है। क्या आपको कोई ऐसा मामला याद आता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, एक तरह से आप कहिए कि चलिए पहले इसे जान लेते हैं फिर बात करते हैं। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। और आप जानते हैं मुझे लगता है कि आर्टिकल आपका 352 जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तब भी इसे नहीं रोका जाता है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।
इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार किए जाने वाले उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या नहीं, गिरफ्तारी उचित है या नहीं। आर्टिकल 22 में आप देखते होंगे, बिना कारण बताए किसी को निरोध नहीं किया जा सकता, ना ही अपनी रुचि विधि व्यवसाय से परामर्श लेने से रोका जा सकता है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आपको कारण तो बताना होगा कि इस तरह से आप गिरफ्तार कर रहे हैं, किस कारण गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो उसे कानूनी सहायता के लिए वकील रखने की इजाजत होती है और 24 घंटे के अंदर जो भी निकट आपका न्यायालय है उसके सामने पेश भी करना होगा उसे। अगर न्यायालय ये निर्धारित करेगा कि उचित था गिरफ्तारी उसकी या अनुचित थी। इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि छुट्टी के दिनों को छोड़ दिया जाता है, आने जाने वाले समय को भी छोड़ दिया जाता है, तो ये भी याद रखिए आप लोग। और एक बात आती है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, कि उसके व्यक्तिगत एक तरह से, यहां कहने का मतलब है कि कानून के तहत उसके जीवन को खत्म किया जा सकता है। क्या कहा जा सकता है कि कोई कानून प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। और बिना नियम कानून का पालन किए हुए आप किसी की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस अधिकार को द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती है, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बड़ा है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना है कि जीवन का अधिकार अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। आपने देखा होगा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया हुआ था कि कम से कम मजदूरी इतनी तो मिलनी चाहिए, लेकिन कहां पालन होता है? दूर छोड़िए आप लोग, दिल्ली में आप सोचिए, दिल्ली में ही पालन नहीं होता है इसका, कि एक मतलब किसी भी व्यक्ति को एक न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए इतने रुपए। अभी भी आप देखेंगे कोई 5,000 में काम कर रहा है, 2,000 में काम कर रहा है। आप जानते होंगे मनरेगा में ये व्यवस्था की गई है। मनरेगा में क्या किया गया है, एक मतलब आपको निर्धारित राशि दी जाएगी, इससे कम नहीं दी जाएगी, फिर चाहे आप महिलाएं हो या पुरुष हो, ठीक है। फिर आप सुनते होंगे निवारक नजरबंदी। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि यदि सरकार को लगे कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे पाबंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं, उसके बाद इसकी और भी नजरबंदी बढ़ाई जा सकती है। इसमें आप देखेंगे, मान लीजिए आप किसी की, ऐसा ना करें मैं तो यही करता हूं भगवान से प्रार्थना, लेकिन ऐसा मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी की हत्या करने जा रहा है। अब कई लोग कहेंगे कि उसे हत्या कर लेने दीजिए, उसके बाद गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं, ऐसे मामले में आपको पहले भी गिरफ्तार कर सकते हैं, या आप कोई भी घटना आप समझिए घटने वाली है। अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के मामले में, उन्हें भी तो नजरबंद किया गया था क्योंकि उन्होंने उससे पहले जिस तरह के भाषण दिए, जिस तरह की बातें की थी, उससे लगता था कि देश में एकता और अखंडता को या जम्मू कश्मीर में शांति भंग हो सकती है, तो उन्हें भी नजरबंद किया गया था। तो इस तरह की नजरबंदी भी हो सकती है। बस इसमें एक बात याद रखनी होगी कि 3 महीने तक बिना किसी की इजाजत के आप नजरबंदी कर सकते हैं, अधिकतम 3 महीने। उसके बाद एक सलाहकार बोर्ड गठित किया जाएगा, उसकी समीक्षा के आधार पर आप आगे बढ़ा सकते हैं या हटा सकते हैं, ये वही निर्धारित करेगा। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक अधिकार है, हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रयास का दुरुपयोग किया है। अनेक लोग यह मानते हैं कि हम इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और स्वतंत्रता, व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है।
यहाँ आप देखेंगे कि सरकार इसी की मामले की बात मत करिए, जब भी आप देखते हैं केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है सेंट्रल में, वो दुरुपयोग करता है। आपने देखा होगा विभिन्न एजेंसियों का भी तो दुरुपयोग करते रहते हैं सरकार के अनुसार। मैं ये इस बात नहीं कर रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस किसी की भी बात कर रहा हूँ, जो भी केंद्र सरकार में आएगी उसके पक्ष में ये एजेंसी अपने आप दिखाई देगी। आप लोग देखते होंगे इनके निर्णय भी जो होंगे कि उन्हीं के पक्ष में आते हुए दिखाई देते हैं। आप लोग ये निष्पक्ष हैं, ये अपने आप में एक स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव रहता है केंद्र सरकार का, ठीक है। और इसका आप देखते होंगे इसका दुरुपयोग भी होता रहता है। नजरबंदी का कई लोगों को आप देखेंगे कि बेवजह भी गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में ठोंस दिया जाता है। कई बार लोग देखते हैं आप लोग की काला कानून भी कर देते हैं। इसे अभी ही छोड़िए, आप लोग मान लीजिए अभी तो आप कहेंगे कि इसकी सरकार है उसकी सरकार है। 1975 से जो 77 में इमरजेंसी लगाई गई थी राष्ट्रीय आपातकाल, उस समय भी तो आपने देखा होगा कि हजारों लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था, हजारों लोगों को एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी का एक तरह से वो भी दुरुपयोग था। इसीलिए आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने कई काम किए अच्छे, उसके बाद भी एक काम उनके एक कामों को एक तरह से दूसरे कामों को पूरी तरह से ध्वस्त कर गया। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया उसे आप जानते हैं कि संविधान का काला दिवस कहते हैं, और अभी भी लोग उसे काला दिवस के रूप में मनाते हैं, काला कानून कह देते हैं, ठीक। अगर बात करें अन्य स्वतंत्रताओं की तो आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं, पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। यही दो आर्टिकल हैं, इन पर आप सोचिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी एक तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, तब भी ध्यान रखना होगा। आगे जो भी है इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और आपने देखा होगा कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, तब वो कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त होती कि वह शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। प्रशासन शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरोध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो तो प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसका दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। आप देखते होंगे यहाँ की छोड़िए, आप लोग आप जब कॉलेज लाइफ में होंगे या हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई आंदोलन करते थे तो पुलिस आती थी आपको उठा ले जाती थी, आपको एक तरह से आंदोलन नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि आपको अपने अधिकारों के प्रति आप सचेत नहीं थे, जागरूक नहीं थे। तो आप ना तो किसी न्यायालय की सुरक्षा ले पाए और ना ही कहीं जा पाए, अपने अधिकारों का हनन की बात उठा पाए। और आज अगर मुझे लगता है कि आप अगर जागरूक हैं तो आप कोई शांतिपूर्ण और देश की एकता अखंडता शांति को भंग किए बिना कोई आंदोलन कर रहे हैं, कोई संगठन बना रहे हैं, तब आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, वो आपको सुरक्षा भी प्रदान करेगा, ठीक है। मैं कहता हूं ना कि हमेशा कि अगर आपको मौलिक अधिकारों से आप लोग परिचित हैं, जागरूक हैं और आप अपने मौलिक कर्तव्यों से परिचित हैं जो आर्टिकल 51 का में दिया गया है, तो मुझे लगता है देश की 90% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं कि अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं लेकिन अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। जब भी आप आंदोलन करते हैं तो सरकारी संपत्ति को तोड़ मरोड़ने लगते हैं, जलाने लगते हैं, तब मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके मौलिक कर्तव्य है आपका कि आप उसकी सुरक्षा करें। अगर कोई तोड़ रहा है तो तब भी आप उसकी सुरक्षा करें। वही हाल है इसमें कि आजकल आप देख रहे हैं कि बड़े रिश्ते चलते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। मुझे तो यार बता बड़ा, मैं तो पुरानी संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति हूँ। अब मैं देखिए 21वीं सदी का मतलब ये नहीं है कि आप मर्जी आए कपड़ों की तरह रिश्तों को भी बदलते रहे। मैं इसके पक्ष में ना तो कभी था और ना कभी हूं रहूंगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि अब आजकल आप देख रहे हैं ये मामूली सी बात हो चुकी है। तो इसमें आप ये भी देखेंगे कि आप पर कोई अगर भरोसा कर रहा है, मान लीजिए अगर वो 100 रुपये आप पर खर्च कर रहा है तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि कम से कम 10 रुपये खर्च करें उस पर। तो यही तो आपका कर्तव्य है एक तरह से, ठीक है। तो ये भी आपको बड़े ध्यान देना होगा। मैं समझता हूं कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे काफी कम अधिकार दिए गए हैं कि और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया।
लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है, यानी कि अपवाद लगा देता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी हमारी जनता चाहती है। सोमनाथ लहिड़ी, इन्होंने ये बात कही है। एक बात और याद रखिए, इस पर हमेशा तर्क वितर्क होते रहते हैं, इस पर हमेशा डिबेट होती रहती है। अधिकारों पर कोई निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सका अभी तक, और ना निकलने वाला है, कि कौन अधिकारों को जोड़ा जाए, किन्हें हटाया जाए, कहाँ कुछ अपवाद किए जाए, कहाँ कुछ प्रतिबंध लगाए जाए। तो ये चलता रहेगा, आप लोगों को बस आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और बड़े न्यूट्रल होकर, यानी कि बीच का रास्ता अपनाते हुए आपको सभी पक्षों को ध्यान में देना है। आप देखते हैं आंसर राइटिंग आप करते हैं तो पहले जैसे अधिकारों की बात आती है तब आप क्या करते हैं, मान लीजिए आरक्षण पर लिखने के लिए कुछ मामला आ जाता है तो आप आरक्षण क्या है दो लाइनों में तो यही समझाते हैं ना आप लोग, फिर उसके मतलब उसके पक्ष या विपक्ष में कुछ पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद आप नीचे उसके विपक्ष में कुछ पॉइंट लिखते हैं, और लास्ट में आप अपना निष्कर्ष भी निकाल के, यानी कि पूरा सार निकाल के लिख देते हैं। तो यही आपको हर जगह करना है। मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति हैं, क्योंकि आप बेवकूफों की तरह नहीं करना है आप लोगों को कि आपने गलती गलती बता दी है और अच्छाई उसकी ढक दी है। अंधभक्ति, और एक तरह से आप कहिए धर्म को अंधभक्ति और गुलामी में ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसमें आपको दोनों एक तरह के शोषण के जरिए, आप समझिए आप अगर किसी की गुलामी कर रहे हैं या किसी की अंधभक्ति कर रहे हैं तो आपको उसकी सामने वाली की बुराइयां दिखनी बंद हो जाएंगी, आपको उसकी सिर्फ अच्छाइयां दिखने को मिलेंगी। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसकी अच्छाइयां भी देखनी है और बुराइयां भी देखनी है। उसके बाद आप लोगों को देखना है, कभी कई बार आप देखते हैं कि आर्टिकल कांग्रेस के लीडरों के द्वारा लिखे जाते हैं, कई आर्टिकल होते हैं बीजेपी के लीडर्स द्वारा लिखे जाते हैं, कई कई लोगों द्वारा लिखे जाते हैं जो पॉलिटिकल होते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े रहते हैं। तो आप लोगों से को उसमें बड़े ध्यान देना होगा कि कई पॉइंट होंगे जो कांग्रेस के लीडरों के द्वारा लिखे गए होंगे और आपके लिए जरूरी होंगे और आंसर राइटिंग के लिए भी जरूरी होंगे, कई उसमें ऐसे भी पॉइंट होंगे जो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो वही आपको ध्यान देना है, वही आपको निकालना है, यानी कि अच्छाई को अपनाना है और बुराई को छोड़ देना है। अब बात करते हैं हम लोग आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। हमारे संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों। हम प्रयास ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकते। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान तीन अधिकारों की व्यवस्था करता है। एक बात और आपको बताऊं, आजकल न्यायालय भी बड़े परेशान है फिर चाहे आपका, क्योंकि मीडिया इतने निचले स्तर तक गिर चुकी है कि वही एक तरह से साबित कर देती है कि आरोपी है या दोषी है। अभी आपने एक सुशांत मामले में देखा है, उस लड़की को आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती थी, जो भी हो मुझे इतना ठीक है, रिया चक्रवर्ती थी जो भी, आप सोचिए न्यूज चैनल ने इतने उसे दोषी ही बना दिया, जेल में नहीं चली गई वो। आप सोचिए लास्ट में सीबीआई जो भी निर्णय आता है उसमें कह दिया जाता है कि आप एक तरह से अपराध मुक्त हो, आप अपने कुछ नहीं किया है, तो उस पर क्या बीती होगी, उसके सम्मान को क्या नुकसान हुआ होगा। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। इसमें अपराध करने का मतलब है कि अपराधी, कि हो सकता है कि उसने ये अपराध किया हो, ऐसा नहीं कि उसने ये अपराध कर दिया है। जब तक दोषी तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उस पर दोष जो मढ़े गए हैं वो साबित नहीं हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना होगा। अब लोग देखते हुए कई लोगों के नाम बेफालतू भी जोड़ दिए जाते हैं किसी मुकदमे में, तो उसे भी आप लोग क्या कहते हैं, ये दोषी है, उसे भी नीचे स्तर से देखने लगते हैं आप लोग। तब आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि आप लोग जब तक निर्णय नहीं आता है तब तक ध्यान दे सकते हैं इन बातों को। इसमें क्या अधिकार मिले हुए हैं, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। समझे यार, कोई भी व्यक्ति है तो उसे एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिल सकती है। अब ऐसा नहीं है कि ये किसी व्यक्ति को मान लीजिए एक बार फांसी चढ़ाई गई फिर दो बार भी चढ़ा तीन बार चढ़ा, ऐसा नहीं है। या फिर कह सकते हैं आप लोग कि एक व्यक्ति को 5 साल की सजा मिली हुई है, उसे एक बार 5 साल दीजिए फिर दोबारा 5 साल दीजिए फिर तिबारा 5 साल दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। उसे एक अपराध के लिए एक बार ही सजा देने का प्रावधान रखा गया है। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकती है। एक समझिए बात की आप लोग सोचिए कि जब कानून किया है उसी हिसाब से उसे क्या मिलेगा,
उसकी सजा मिलेगी। उसे ना तो आगे पीछे की नया कोई कानून लाके उसे बढ़ा दिया जाए सजा को, ऐसा भी नहीं रहेगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। अगर वो एक तरह से अपनी मर्जी से साक्ष्य उपलब्ध करा रहा है तो नार्को टेस्ट होता है, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उससे बात नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने आप में तैयार है इस तरह की व्यवस्था के लिए, तब इस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कहां पहुंचे और क्या समझे अभी तक हम लोग। क्या आप मानते हैं कि निम्न परिस्थितियां स्वतंत्रता के अवसर पर प्रतिबंध की मांग करती हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तक दें। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद लोग शांति मार्च के लिए एकत्रित हुए हैं। दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है। मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों आदिवासियों ने सड़क जाम कर दिया है। वे मांग कर रहे हैं कि कोई कारखाना बनाने के लिए भी ली गई उनकी जमीन वापस की जाए। किसी जाति की पंचायत की बैठक यह तय करने के लिए उठाई गई है कि जातर जाति से बाहर विवाह करने के लिए एक नव दंपत्ति को क्या दंड दिया जाए। इसमें मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई अधिकार इस तरह के दिए गए हैं। हरियाणा में इस तरह की पंचायत अभी भी बैठाई जाती है। आप देखते होंगे कोई अगर किसी लड़की से शादी कर लेता है लंबे में, तब वहां आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वहां भी आप लोगों को इनका आनंद देखने को मिलता रहता है। ये परंपरा है, पुरानी गड़ी हुई है। हाँ, अगर आप शांति मार्च के लिए कोई भी एक तरह से कर रहे हैं आंदोलन या मार्च निकाल रहे हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें क्या प्रवेश। अगर आप दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की बात की जाए तो इसमें ऐसा नहीं है जबरदस्ती प्रवेश के लिए, मुझे नहीं लगता है कि जरूरी है। इसका आप क्या कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मदद ले सकते हैं या सरकार इसमें मदद कर सकती है। ठीक है, और याद रखिए आदिवासियों के मामले में बात करें तो ये कई मामले देखे भी गए हैं आप लोगों के, तो उन्हें शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो उग्र आंदोलन करते हैं तब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, जो आर्टिकल 23-24 आप लोग देखते हैं, इसी की बात कर रहा हूं मैं। और याद रखिए मैं बार बार कह रहा हूं, मौलिक अधिकारों की जो भाग 3 है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए, इन्हें आप लोग कंठस्थ याद रखिए और इनके बारे में जो भी जानकारी है उसे एकत्रित करके नोट्स बना लीजिए आप लोग, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है, फिर चाहे आपका प्रीलिम्स हो या फिर आपका लिखित परीक्षा हो, और आप जब निबंध भी लिख रहे होते हैं तभी इन फैक्ट को भी उपयोग कर सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। ठीक है, अपने देश में करोड़ों लोग गरीब दलित शोषित वंचित हैं या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूर मजदूरी के रूप में जानते हैं। इस प्रकार के एक शोषण को लोगों को दास या दास के रूप में भी खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषण का पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदार सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खासतौर से भट्टे के काम पर में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और कानून द्वारा दंडनीय भी कर दिया गया है। आजादी से पहले आप लोगों को ये प्रथाएं बहुत देखने को मिलती थी, लेकिन आजादी के बाद काफी हद तक अंकुश लगाया गया, रोका गया, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी आप लोग देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब इसे आपका अधिकारों में जोड़ दिया गया, आप कानून का सहारा ले सकते हैं, न्यायालय का सहारा ले सकते हैं और आप उसे दंड भी दिलवा सकते हैं जो इस तरह की भेदभाव करता है। इस फोटो में आपको किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई दे रहा है? आर्टिकल 24 में आप देखते हैं ना कि बाल अधिकारों का हनन की बात की जाती है। क्या कहा जाता है कि जो आप देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जाती है, इसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि कारखानों आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने पर अपने रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कहने का सीधा सा मतलब है कि 14 साल से जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उनसे कोई काम ऐसा नहीं करवाया जा सकता। ठीक, लेकिन क्या करेंगे, अभी भी आप लोग देखते रहते हैं और इसमें भी अपवाद जोड़ देते हैं कई बार कि अपने दुकान पर बैठे कुछ समय के लिए पढ़ने के बाद। ठीक है, और इनको अभी भी आप लोग देखते रहेंगे। कभी आप चाय पीने के लिए जाते होंगे, कभी आप खाना खाने के लिए होटल कहीं भी जाते होंगे, तो इनका दिन दहाड़े एक तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई रोकने वाला भी नहीं है ना। चाय पे आप देखते होंगे कि वो कप धोने वाला बच्चा, या खाना कहीं खाने जाइए आप लोग तो वहां भी आपको टेबल पर उठाने के लिए बच्चा मिल जाएगा और हम लोग चुपचाप निकल आते हैं वहां से। और मजबूरी भी तो है, मान लीजिए वो ना रखें तो आप सोचिए, अभी कुछ ही दिन पहले कहीं मैं देख रहा था उससे पूछा, तो आप सोचिए उस बच्चे की भी मजबूरी है
और एक तरह से आपके पास अगर सुविधाएं हैं आप उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए, वो कल छोड़ देंगे, समझ रहे हैं? तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि सरकार को ये कुछ करना चाहिए व्यवस्था कि शिक्षा स्वास्थ्य तो उनकी थोड़ा बहुत कम से कम खर्च उठाने की हिम्मत रखनी चाहिए, समझ रहे हैं? शिक्षा का अधिकार दे देने से कोई अधिकार दे देने से कोई कुछ नहीं उखड़ता है। मैंने हमेशा बोला है कि हजारों कानून लाने से कुछ नहीं उखड़ने वाला है। धरती पर कितने कानून लागू हो रहे हैं ये मायने रखता है, ना कि ये मायने रखता है कि आप 50,000 कानून ले आए। ठीक है, वही हाल है कि वो राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की कहावत याद आती है कि कहते हैं 1 रुपया मैं ऊपर से बेचता हूँ, नीचे 12 पैसे पहुंच रहे हैं। उसी तरह 1,000 कानून मैं ऊपर से बना रहा हूँ, एक भी कानून नीचे नहीं पहुंच रहा है, ये मायने जरूर रखता है। तो ये देखने को मिल रहा है। आपने शिक्षा का अधिकार दे दिया है, कहाँ दे दिया है, कहाँ लागू है, आप जाकर देखिए ना। या शिक्षक वो रखे गए हैं जिन्हें आप खुद नहीं आता है, ABCD नहीं आती। अभी देख रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री का नाम मालूम नहीं है, अपने CM का मालूम नाम नहीं है, राष्ट्रपति साहब का नाम मालूम नहीं है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? और इस शिक्षा का अधिकार का मतलब क्या रहेगा? तो ये भी आपको देखने को मिलता है। बहुत सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सुधार किया जाए तब तो, क्योंकि एक कहते हैं ना कि वो नेताओं को फुर्सत नहीं है और नेता चाहते भी नहीं है, और जो मीडियम परिवार है जो सक्सेस है वो चाहे वो सोचते हैं रहने दीजिए, और गरीब कर नहीं सकता है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संविधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाए गए। अब मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं ना कि मान लीजिए कि आप ठीक है, वो सामने वाला जो भी होटल पर या कहीं चाय के रेस्टोरेंट पर रखे हुए किसी बच्चे को ठीक है वो कल निकाल देता है, तो क्या आप उसकी मदद करने के लिए तैयार है? क्या उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे उसका खर्च उठाएंगे? अगर ऐसा करने के लिए आप तैयार हैं या सरकार तैयार है तो आप बेहद कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो अपना कम से कम पेट भर रहा है तब क्या आप सोचेंगे? आप उठा देंगे मुद्दा, वो निकाल देगा उसे और कल आप हट जाएंगे, तब उस परिस्थिति पर क्या उस पर बीतेगी? तो बड़ा मामला, बड़ा गंभीर है, एक तरह से बड़ा बुरा है हाल, क्या कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से हर बार मैंने बोला है कि इतना तो आप भी कर सकते हैं कि आप देखते हैं कि आप अपने बच्चे को 10,000 के पटाखे घलवा देते हैं, 100 रुपये की उसे भी कुछ कपड़े दिला सकते हैं आप लोग, या आपके यहाँ जो बचे हुए हैं कपड़े, या आप देखते हैं साल में आप बदलते रहते हैं 1,000 कपड़े, उनमें से गरीब बस्ती आपके आसपास होगी वहां आप जाकर एक तरह से बांट भी सकते हैं, जो भी कंबल हो इस तरह की। इतनी अपील मेरी भी रहती है, ठीक है? और इसके लिए मैं कहता हूं कि टैक्सी, बस का किराया जो भी रहता है मुझे बता दीजिए, मैं भी दे दूंगा अगर आपके घर से दूर है कोई बस्ती। लेकिन इतना भी नहीं दे सकता हूं भाई कि आप कहें कि एरोप्लेन से आपको मुंबई जाना है वहां बांटना है, तो मैं इसका एक तरह से आपको इजाजत नहीं दे सकता हूं। इतना कर सकता हूं कि देखिए मेरी जितनी औकात है उस हिसाब से मैं काफी कर रहा हूं और काफी करता रहता हूं। आप लोग किताबों के मामले में पिछड़ेंगे नहीं, इतना मैं वादा हमेशा करता हूं, करता रहा हूं। स्पेशल कोई भी बुक्स है नाम बताइए उसे, मेरे पास अगर सुविधा होगी और PDF बनवाने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय होगा तो मैं ये भी करवा दूंगा। अब आप जानते हैं कि M लक्ष्मीकांत आपके लिए जरूरी है और एक तरह से आप कहिए सिविल सर्विस के लिए महत्वपूर्ण बुक्स है, तो मैंने उसे कवर करवा दिया गया। मतलब कवर करने का मतलब है कि उसकी जो 5वां संस्करण था और 6वां संस्करण था दोनों की PDF बनवा कर आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। आप लोगों से बस इतना ही कहता हूं कि आप कहीं भी अगर आपको लगता है कि, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप अपने बाप की या अपने परिवार के पैसे आ रहे हैं और मेहनत से आ रहे हैं उसे बर्बाद करिए, मैं कभी नहीं कहूंगा। आपके पिताजी सक्षम है, आप सक्षम है, तो इतना भी तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड में आप बाहर निकलिए किस तरह से ठिठुर रहे हैं बच्चे, तो इतना करते रहिए। और मैं कुछ नहीं अकेले उखाड़ सकता हूँ, मैं ये हमेशा बोलता रहा हूँ, आप लोगों को कदम से कदम मिलाना होगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया है। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया है, बेबस किया गया, बेशासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है।
आर्टिकल 25 से जो 28 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अपने पड़ोसी पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं आप लोग, कि आपने देखा है आजादी 1947 के समय एक बहुत बड़ी संख्या में हिंदू पाकिस्तान गए हुए थे, भावनात्मक रूप से पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। आप सोचिए जिसकी संपत्ति पाकिस्तान के क्षेत्र में है वो किस तरह से छोड़ दे, जिसके मकान, जिसका परिवार, जिसके धर्म, मतलब एक तरह से आप मान लेते हैं आज भी आप जानते हैं कि आप अपने गांव में जाते हैं जहां आप पैदा होते हैं क्योंकि आपके भगवान वहां रहते हैं, वहां मंदिर है, तो वो लोग चले गए। लेकिन आज आपको देखने को मिलेगा ना के बराबर उनकी संख्या रह गई है, या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है या जिसने मना किया है धर्म परिवर्तन से उसे मार डाला गया है। तो ये भी देखने को मिलेगा कई देशों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे देश में ये नहीं देखने को मिलेगा, हमारे देश में आप सरकार एक तरह से निरपक्ष रहे, निष्पक्ष रहे, धर्म निरपेक्षता आपने देखा है, सभी को अपने धर्म को मानने की आजादी मिली हुई है। हाँ, लेकिन तब सरकार भी इंटरफेयर कर सकती है, यानी कि उसमें घुस सकती है जब आप किसी के धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। फिर आपका आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है, इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म भी धर्म को चुन सकता है या फिर निर्णय भी ले सकता है और कि वह किसी भी धर्म का पालन कर नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को आबाद रूप से मानने और उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसे लोक व्यवस्था हो गया, नैतिकता हो गया, स्वास्थ्य के अधिकार आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। मैंने कहा ना कि अधिकार आपको दिए गए हैं लेकिन उस पर अपवाद यानी कि प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अब आपको धार्मिक स्वतंत्रता मानने, धर्म मानने का अधिकार है, कुछ भी करने का अधिकार है, लेकिन अगर आप लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर को मतलब इनका हनन करते हैं तब आपके धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह करने और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जैसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। केरल के मामले की बात कर रहा हूँ, फिर चाहे 3 तलाक का मामला हो, इनमें जिस सरकार ने आपने देखा हस्तक्षेप भी किया, न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया है, तो यहाँ कोई हनन नहीं किया गया है, ठीक है। ये जो बुराइयां हैं इन्हें हटाना होगा। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लाने में से विभिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है, इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए मानने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं, उनका मानना है कि धर्मांतर भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान में जीव भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है, वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है जिसमें हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप देखेंगे सामने वाला हर परिस्थिति में गलत नहीं हो सकता है, एक बात आप लोगों को ध्यान में रखती हुई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक ने ऐसे कानून लगाए बनाए हैं जो धर्म पर धर्मांतरण विवाह को एक तरह से कानूनी मानता है और दंड का प्रावधान भी रखा गया है। यहां आप समझिए बात को, हर धर्मांतरण बुरा नहीं होता है, और ये भी नहीं कह सकते हैं हर विवाह धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया या किसी लालच से किया गया हो। आपकी जिंदगी है, आप किसी भी से शादी कर सकते हैं, और पहले से भी तो कानून बने हुए हैं कि अगर इस तरह की बात करते हैं, इस तरह का धर्म परिवर्तन होता है तो उस पर प्रतिबंध भी लगता है और एक तरह से कानून में दंड का प्रावधान भी रखा गया। नए कानून की जरूरत कहां? तो कई राज्यों में आपको देखने को मिलेगा कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के कानून बनाए जाते हैं। और याद रखिए, जब पहले से ही आपके पास हथियार है तो आपको दूसरा हथियार खरीदने की जरूरत क्या है? तो ये भी देखने को मिलता है। वही तो बोल रहा हूँ कि ये भी आजकल कहना मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हर कोई अपने आप में बैठा हुआ है कि मान के कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है। बात करें सभी धर्म की समानता की, तो विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है।
समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा है कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म की वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्म निरपेक्षता को जीवन में और बल मिलता है। एक आपको बात और बताऊं, जिस देश की राजनीति में इस तरह के धर्म गुरुओं का धर्म गुरु शामिल नहीं होंगे उस देश की राजनीति अच्छी चल रही होगी, काम भी वो राजनीतिक कर रहे होंगे और शांति भी बनी रहेगी वहां। लेकिन आप सोचते हैं कि जब कोई धर्म गुरु राजनीति में शामिल हो जाता है उस समय प्रॉब्लम होने लगती है। उस समय प्रॉब्लम इसलिए होने लगती है क्योंकि वो अपने धर्म को जरूर देखेगा, समझ रहे हैं? अभी हमारे देश में आपको साफ साफ दिखता रहता है और मुझे लगता है नाम लेने की मुझे जरूरत भी नहीं है, ठीक है? और आप एक सिविल एस्पिरेंट यानी कि छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो न्यूट्रल होकर देखना चाहिए। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उस पर ध्यान मत दीजिए, किस जाति का क्या कर रही है, लेकिन कम से कम सही गलत तो आप लोगों को मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। इसमें आप एक भी देखेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, कोई भी इस तरह के सार्वजनिक पद पर बैठा हो, वो किसी धर्म विशेष को कुछ सुविधाएं नहीं दे सकता, वो किसी दूसरे धर्म को नीचे नहीं गिरा सकता है, ठीक है? और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जो भी सरकारी स्कूल होते हैं वहां शिक्षा के आधार पर, मतलब धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन आप एक कर सकते हैं, आप अगर मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, तो आप अपने समाज के लिए एक तरह से स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन इसमें सरकार आपकी मदद नहीं करेगी, ठीक है? इसमें आपको ही एक तरह से सब कुछ खर्च करना पड़ेगा, तब आप इस तरह की शिक्षा दे सकते हैं अपने बच्चों को, ठीक है? और आप लोगों से मैंने हमेशा बोला है कि इसमें आप लोग खुद बताइए कौन सा शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद करें, खुद सीखें। अपने गांव या शहर में होने वाले सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों की सूची बनाएं, इनमें से कौन सी गतिविधियां धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग दिखलाती हैं, इस पर चर्चा करें कि यदि आपको क्षेत्र में लोगों को यह अधिकार नहीं होता है तो क्या होता है। एक बात लेकिन हमेशा मैंने बोली आप लोगों से कि देखिए जो भी बुक्स है उसे आप लोग उसकी शकल जरूर देखा करिएगा, ऐसा नहीं कि आपको नोट्स बनाकर आप लोग किसी दूसरे ने नोट्स आपको दे दिए उसी से पढ़ रहे हैं आप लोग, ऐसा मैं इसके पक्ष में ना तो कभी हूँ और ना ही कभी रहूंगा। एक बार दो बार कम से कम उसकी शकल जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप लोग अपने नोट्स बनाइए और अपने नोट्स से बढ़िए ना। आपको हो सकता है समय लगेगा लेकिन एक आपको अपने जीवन में भी काफी ये मदद करेगा और परीक्षा में भी जब भी आप लोग लिखेंगे तो काफी मदद होगी आप लोगों को। तो आप पहले विस्तार से बुक्स को पढ़िए और पहली बार आप लोग बुक्स को पढ़ रहे हैं तो एक नॉर्मल तरीके से पढ़िए, सब कुछ बंद करके, फोन वोन अपना दिमाग दूसरी जगह से हटाकर। दूसरी बार आप लोग जब पढ़ते हैं उसे बड़े ध्यान से पढ़िए, बस दो बार में काम खत्म हो जाता है, ठीक है? फिर आप सुनते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये बात मैं कर रहा हूँ आर्टिकल आपकी 29 और 23 की। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। क्यों उभरती है? क्योंकि आप देखेंगे हमारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हमारे यहाँ विभिन्न जातियां भी हैं, विभिन्न भाषा भी बोलने वाले हैं, विविधता से बड़ा हुआ समाज है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब 1947 में आजाद हुए तो कई देशों द्वारा कहा गया कि भारत कई हिस्सों में बट जाएगा, और ये हकीकत भी थी क्योंकि आपके पास 565 रियासतें थी, 64-65 रियासतें थी, सब अलग अलग होने की बात करती थी, लेकिन फिर भी बांध के रखा रहा, वो है संविधान। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान बनाया गया है, आप सोचिए उस समय के लोगों की कितना दिमागी क्षमता रही होगी। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरन उसमें काफी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और बड़े हो सकते हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? इसके लिए आप देखते हैं कि कुछ स्पेशल प्रावधान भी किए गए हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप एक जगह रहते हैं, 100 मेंबर रहते हैं उस फैमिली उसमें, मतलब उस कॉलोनी में, आप एक अकेले हैं, 100 मेंबर दूसरे धर्म के, तो आप अल्पसंख्यक कहलाए ना कि कम संख्या है आपकी, तो आपके अधिकारों की आपके अधिकार हनन की होने की 100% संभावना रहती है। तो इसमें आपको कुछ सहायता भी दी जाती है। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की एक मजबूती है। हम अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है। देश के किसी एक भाग में या तो पूरे देश में संख्या के आधार पर भी किसी अन्य समूह से छोटा, ऐसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने, उसे विकसित करने का अधिकार दिया गया है।
एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसकी परिभाषा नहीं कहीं दी गई है अल्पसंख्यक समूह की, तो इसलिए आपके इस तरह से आप समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया, इसे भी देख लीजिए। बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें या नहीं। केवल एक धर्म निरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपनी राष्ट्रीय दृष्टिकोण दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए, और सुरक्षा की सभी मांगे उसी आशंका पर आधारित हैं जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर में के संबंध में। सरदार हुकुम सिंह ने ये वक्तव्य कहा था। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अल्पसंख्यकों के की बात मत करिए। आप अगर बहुसंख्यक हैं तब भी आपको एक तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए, अपने भाइयों की तरह, अपने परिवार की तरह। ठीक है, जिससे वो अपनी जो भी भाषा है, लिपि है, जो भी संस्कृति है उसे मान सके। ठीक, भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित भी कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंधन किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में हो। अब बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, संविधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 की बात कर रहा हूं मैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आप कहिए एक तरह से जरूरी है, एक तरह से हमारी आंखें हमारे लिए जरूरी हैं। हम देश दुनिया को नहीं देख सकते हैं, ना ही कुछ जान सकते हैं, इसीलिए एक तरह से आप कहिए कि आंखें हैं आत्मा। खैर ये बात अलग है कि आजकल आत्मा अंतरात्मा ये बात कहने के लिए सिर्फ रह गए हैं। कौन मानता है अंतरात्मा आत्मा की बात? ठीक है, अधिकतर लोग उसके विरोध ही काम करते हैं। तो संविधान की आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा। ये भी कई बार प्रीलिम्स में या कहीं भी वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। इस बात से हमें कोई सहमत हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफी नहीं है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके, उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। आप समझिए कि आपने अधिकार दे दिए गए हैं, आपने 1000 कानून सरकार ने बना दिए गए, लेकिन उस पर भी कुछ ऐसा प्रावधान भी तो होना चाहिए जो नीचे जाके लागू हो। आपने शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है, कम से कम उस अधिकार को लागू होने के लिए भी कुछ प्रावधान आपको करना चाहिए। इसी तरह आपने कई अधिकार दे दिए गए मौलिक अधिकार, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए, एक तरह से उन्हें प्रभावी बनाने के लिए आपने आर्टिकल 32 दिया है। तो ये आर्टिकल आप सोचिए हमारे आजादी के समय के नेताओं ने दिया है। आज के नेताओं की ना तो कुछ औकात है और ना ही वो दे सकते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने बिहार विधानसभा चुनाव हुए, आपने देखा है किस तरह के कुत्तों की तरह लड़ते रहे। अभी आपने विधानसभा का कई राज्यों में आप देखते रहते हैं, मुद्दे उठाना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव कल्याण की, वहां अपने परिवार का मुद्दा उठा रहे हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। कहते हैं कि हमारे लिए मंदिर है संसद या लोकसभा या राज्यसभा, माफ करिए गलत शब्दों का उपयोग कर देता हूं क्योंकि नहीं रहे, मतलब एक तरह से क्या बोलूं, कहते हैं कि मंदिर है हमारे लिए विधानसभा। सही कहते हैं वो लोग, मंदिर तो एक पवित्र स्थल है, लेकिन बाहर आप देखते होंगे कुत्ते किस तरह से लड़ते रहते हैं। वही हाल इन नेताओं की है कि वहां मंदिर है, पवित्र जगह है, मंदिर हो मस्जिद हो, उसके बाहर आपको ऐसी ही कुत्तों की भीड़ मिल जाएगी जो लड़ते रहते हैं आपस में। ये नेता भी वहां जाकर यही काम कर रहे हैं, अधिकतर नेताओं की बात कर रहा हूं मैं। कुछ अच्छे हैं, उनकी सम्मान भी करना चाहिए, करता हूं। अभी कहीं एक ऐसा विधायक भी मैंने पढ़ रहा था उसके बारे में, उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि 4 से 5 बार विधायक रहा है, अपने घर में एक मकान अच्छे से नहीं बनवाए, अपने बच्चों को आज भी सरकारी स्कूलों में भेजता है, अपनी अधिकतम इनकम जो भी होती है विधायकी से वो खर्च करता है और मामूली गाड़ी से चलता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं आज के विधायक से, उस विधायक की छोड़िए सरपंच साहब को देख लीजिए, एक बार सरपंच ही आ जाए तो वो अपने आप को छोड़िए, गांव के विकास को छोड़िए, घर ऐसा बना देता है, फॉर्च्यूनर खड़ी कर देता है। चलिए खैर क्या कर सकते हैं। संविधानिक उपचार का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा भी दी है। इस पॉइंट को बड़े अच्छे से याद रखिए। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकता है। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करता है जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। आप लोग एक बात हमेशा आप लोगों से बोलता है, वैसे तो बहुत बातें बोलता है, लेकिन ये वो बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए।
मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, फिर चाहे वो प्रीलिम्स के हों, मेंस के हों, या फिर आपके ऑप्शनल पेपर्स के हों। इसलिए बोला हूं कि आपको इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछने को मिलता रहेगा आप लोगों को, क्योंकि मौलिक अधिकार अधिकार ऐसा एक मुद्दा है जो चर्चा में हमेशा बना रहता है। और यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, ये जो भी अधिकार जो भी चर्चा में टॉपिक रहता है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसी से आपका निबंध भी पूछा जाता है, उसी से आपके प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग बड़ा ध्यान दिया करिएगा और कम से कम क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। इससे क्या होता है, एक मालूम चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहा है, ठीक। इसमें जो आपका न्यायालय रिट जारी करता है उन्हें भी देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो, तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा सा मतलब आप लोग निकालिए, कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो उसे न्यायालय के समक्ष यानी कि उसे प्रस्तुत करने का आदेश देता है, अगर वो गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो उसे छोड़ने का एक तरह से आदेश भी देता है। परमादेश की बात करें हम लोग, तो यह आदेश जब तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, इसके किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। आप देखिए कोई सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में जारी किया जाता है उसके समय। निश्चित अधिकार की बात करेंगे हम लोग, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कान उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निश्चित आदेश जारी करता है। अधिकार उपेक्षा की बात करें तो जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जा गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार उपेक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर से हटाने का एक नए रोक लगाने का आदेश देता है। सीधा था इसमें आप लोग एक बात ध्यान दे सकते हैं कि मान लीजिए कि आप प्रोफेसर बनते हैं, मान लीजिए आप ऐसे प्रोफेसर बन जाते हैं जहां आप मान लीजिए कि आपको मैथ पढ़ाना है, मैथ्स के बारे में आप लोगों को दूर दूर तक कुछ नॉलेज ना हो, आप पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, आप जाके बैंक मैनेजर बन जाए तो आपको उसकी योग्यता ना हो तो आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। फिर एक आता है उत्पेषण रिट, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्पेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी की को हस्तांतरित कर देता है। यानी कि जो अधिकार आपके पास नहीं है उन्हें आपसे लेकर दूसरी जगह भेजना है। इन पांचों को याद रखना क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आपके बनते रहे। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानव महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यक महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। इसमें एक बात और मैं बताता हूँ, आपके सभी संगठन कवर करवा दिए गए, फिर चाहे आपके राष्ट्रीय कोई भी संगठन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें जाकर देख लें। और इनसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाते हैं। सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए बड़े विस्तार से हम लोगों ने बात की है, तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। और कहा जा रहा है कि एमपीपीएससी में इस बार इन संगठनों से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कई बार आप देखते हैं कि 3 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लिखित परीक्षा में, उसमें भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो इन्हें बड़े अच्छे से ध्यान रख लीजिए, ठीक है। बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, तो किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित, कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL या पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी रहती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला 2 और सदस्य होते हैं। एक बात और याद रखिए, अभी आपने देखा होगा इसमें संशोधन किया गया है, 5 साल 70 साल कर दी गई है इनकी एज की बात करें, 5 साल तक या 70 साल जो भी पहले हो। एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि इसमें मुख्य न्यायाधीश की छोड़िए पूर्व मुख्य न्यायाधीश पहले रखा गया था प्रावधान, लेकिन इसमें संविधान संशोधन करके आपका अब कोई भी न्यायाधीश इसका अध्यक्ष हो सकता है, क्योंकि पहले कुछ और प्रावधान था। आपने देखा है 2019 में आपका संशोधन हुआ था, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इस पर हम लोगों ने बड़े विस्तार से एक क्लास ली हुई थी, उसे जाकर आप लोग देखते रहिएगा।
और मुझे जहां तक लगता है, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि जीके जीएस के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में आपको दे दिया गया है, पढ़ना आपको है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को आपका एमपीपीएससी लेवल का करवा दिया गया है कम्प्लीट, उत्तर प्रदेश को कवर करवा दिया गया है, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, इन सबके 5 से 6, 7 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए गए हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आपको स्पेशल बुक्स कवर करवा दी गई है, आपको जो भी कंप्यूटर साइंस हो या कोई भी क्षेत्र हो सबको कवर करवा दिया गया, बस आपको जाकर वहां देखना है। ठीक है, देखते रहिए और बताते रहिए, अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई छूटा हुआ है तो उसे भी हम अपने आप से हम लोगों से जोड़ते रहिएगा, ठीक है, उसकी भी मदद होती रहे। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शक्तियां, शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर स्वयं जांच कर सकता है, जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं, इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने या पुलिस की ज्यादातियों, कार्रवाई ना किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होते हैं। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने या गुजरात के दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा है। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, या सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है। एक बात आप लोगों ने देखी होगी, इस तरह के भेदभाव अभी भी आपको देखने को मिलता रहता है। कभी पुलिस थाने में आप लोग जाते हैं, वहां भी आपने देखा है किस तरह से आपका व्यवहार किया जाता है, आपके साथ व्यवहार, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी है, और अगर आप समाज से जुड़े हुए हैं तो आपको काफी मालूम भी रहता है। अब बात करते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये आप जानते होंगे जो आपका भाग चार है, क्या है, माफ करिए, भाग चार में, ठीक है, इसमें आप देखते होंगे आर्टिकल 36 से लेकर, क्या है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके क्या दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक। और कहा ऐसा है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यों का त्यों हमने अपने संविधान में लागू मतलब सम्मिलित नहीं किया है, इसमें जो संशोधन हो सकते थे, जो अच्छाइयां थी उन्हें हम लोगों ने सम्मिलित किया है आपका, ठीक है। तो याद रखिए यही आपको, और याद रखिए भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका मेन उद्देश्य यही है कि भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए, और ये राज्यों के ऊपर निर्भर रहता है एक तरह से, वो उनकी एक तरह से आप कहिए उनका कर्तव्य है कि समाज का ध्यान रखें और इस तरह की जो भी इसमें दिए गए व्याख्या की गई उन्हें लागू करें। संविधान निर्माता को पता था कि स्वतंत्र भारत को अपनी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देशक जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही वे नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। और याद रखिए उस समय की कितने महानता, यानी कि आप सोचिए कि महानता हासिल किए होंगे जिन लोगों ने संविधान लिखा है, उन्हें आज की समस्याओं से वो लोग परिचित थे और आने वाली समस्याओं से भी वो लोग परिचित थे। इसीलिए आप देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर साहब को देखिए, कानून की महानता हासिल किए हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए, नेहरू साहब को देखिए आप लोग, और आज के नेताओं को देखिए। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि तुलना करनी है तो अच्छे कामों से करिए, आप लोग क्या करते हैं गलत कामों से करने लग जाते हैं। आज के नेताओं में, उस समय के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क था। आज के नेता 10वीं पास मिलेंगे आप लोगों को, 8वीं पास मिलेंगे, कई तो ऐसे मिलेंगे जो बलात्कारी हैं, कई तो ऐसे डकैत मिलेंगे, हत्यारे मिलेंगे, आप सोचिए इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, इनसे किन नीतियों की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्या आप अपने बच्चों का भविष्य इनके हाथों में दे सकते हैं? फिर भी आप दे रहे हैं, उसका भुगतान भी आप कर रहे हैं। जब भी आपके घर में किसी की प्रॉब्लम होती है तो सरकारी हॉस्पिटल आपको खुला रहता है, समझिए आप लोगों को जो भी भुगतनाते रहिए। या तो आपको संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई, यानी कि निर्देशक तत्वों का जबरदस्ती लागू नहीं किया जाता, ये सरकारों पर निर्भर रहता है कि वो किस तरह से लागू कर सकते हैं, इसमें ना तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते हैं कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है और अधिकार आपके वाद्य योग्य हैं, क्योंकि अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट चले जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है। यह अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी
कि सरकार नीति निदेशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकार पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक ऐसी निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशकों की सूची को राजनीतिक तथ्य कहते हैं। एक तरह से इसमें यह शामिल किया गया कि आप राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वो इन्हें ध्यान में रखे और जो भी लागू होना चाहिए लागू किया जाए। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जबरदस्ती लागू किया जाए। और आप जिन्हें चुन रहे हैं यानी कि जिन्हें अपने भविष्य दे रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका भी तो कर्तव्य होता है कि वो भी इन्हें अच्छी तरह से लागू करे। आप अपना जिन्हें नेता बना रहे हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनका भी तो कर्तव्य रहता है कि आपके जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें जाके लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इनमें जाकर उठाए वो। लेकिन ये अलग बात होती है कि वो आप जिन्हें अपना भक्षक समझते हैं, एक तरह से आप जिन्हें रक्षक समझते हैं, वही भक्षक निकल आते हैं। ठीक है, तो ये अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी यही दी जाती है ना। आप देखते हैं कि मैंने एक दिन बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि सात फेरे क्यों लिए जाते हैं। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, बड़े विस्तार से पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि बड़ी इनका महत्व है। उतना ही पत्नी के लिए है, एक तरह से उतना ही पति के लिए, दोनों का कर्तव्य दिया गया है, एक दूसरे के साथ रहने की और एक तरह से जीने की, सब कुछ दुनिया के जो भी रहता है कर्म उसमें। लेकिन आप समझिए कि क्या एक कर्तव्य निभा रहे हैं वो लोग। अधिकतर मामलों में आपको देखने को मिलेगा दूर दूर तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं रही है। अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी बड़े बड़े घरानों में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या करते हैं कि आज इसके साथ शादी हुई, सात भावरे इसके, कल दूसरे के साथ पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मैं इस तरह की संस्कृति के खिलाफ रहा हूं। और याद रखिए, हम अमेरिका जैसे 21वीं सदी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करें, और ना ही हमारा देश अमेरिका है, ना ही इंग्लैंड है कि जहां कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शादी हो कि अगर हमारी तुमसे बनी तो ठीक है वरना अलग हो जाएंगे, तो इस तरह का भी नहीं देखा जाता है। यही सोच के चला जाता है कि दोनों का एक तरह से कर्तव्य रहता है कि इस तरह का भेदभाव ना रखें और एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। मैं बड़ा आश्चर्य होता हूँ, अभी कुछ ही समय पहले एक यज्ञ था कहीं, वहां मैं भी गया हुआ था, तो वहां एक अंकल जी से मिला, बड़े हैंडसम, बड़े पढ़े लिखे, पैसा वैसा सब कुछ था उनके पास। उनसे पूछा, वो शादी वादी नहीं किए हुए थे, तो उनसे मैंने पूछ लिया कि वो अंकल जी ऐसा क्या है। तो बड़े मतलब ज्ञानी टाइप के हैं और हर जगह अपने मतलब क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। तो उन्हें कहा कि बेटा मैं कॉलेज में था तो ऐसा वैसा चक्कर चला और मैं बैठा रहा उसी के चक्कर में, और मेरी आत्मा ने मुझे गवाही नहीं दी दूसरे से शादी करने की, लेकिन उसकी ने दे दी, वो चली गई। या इस तरह की कई आपको लड़कियों में भी देखने को मिल जाएगी, तो ये अलग बात है। आप इस तरह के मामले आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। कह रहे हैं ना कि वफादार ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है इस समय। आपको गद्दार हजार मिल जाएंगे, विश्वासघात हजार लोग मिल जाएंगे, लेकिन वफादार मुश्किल में मिलेगा। इसलिए हमेशा बोलता रहा हूं मैं कि कदर कीजिए उन लोगों की जो इस तरह के लोग हैं आज भी, जिनका जमीर है, जिनकी आत्मा है, ठीक है, और जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ना तो कहां इस समय में आप सोचिए, कर्तव्य दूर, कर्तव्य निभाने की छोड़िए, हर कोई लालच में जी रहा है, हर कोई अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। और आपको एनसीईआरटी या इतने विस्तार से पुस्तक पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? आप भी वनडे एग्जाम की तैयारी रट लेते, आप भी अपने वही डंडा छाप रहते, कहीं कॉन्स्टेबल में भर्ती हो जाती या पुलिस में भर्ती हो जाती, और डंडा चलाने का आदेश आप लोगों को भी मिल सकता था। जब भी किसी ने ऊपर से कहा कि भांज दीजिए डंडे, आप लोगों ने उठाए और भांज दिए। लेकिन आपको यहाँ निर्णय लेना होता है, आपको यहाँ अपने दिमाग मतलब अपने आप से भी सोचना होता है कि किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लिया जाए, क्या ये निर्णय उचित है या अनुचित है। आपके अंदर आप देखते हैं, आपका पेपर फोर होता है, जनरल स्टडीज का पेपर फोर, उसमें आपको यही तो सिखाया जाता है पूरा। आपको मुझे लगता है एक इंसान, असली इंसान बना दिया जाता है। और मैं कहता हूं कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो भूख से नहीं मरेंगे आप लोग। आप जिंदगी में अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, बेवकूफों से अच्छी स्थिति में आप रहेंगे हमेशा। तो मन से आप लोगों को पढ़ना है, वो सब अपने आप पर फॉलो भी करना है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लोग नीति निदेशक तत्व आखिर हैं क्या। नीति निदेशक तत्वों की सूची तीन बातें बताती हैं आपको, कौन कौन सी।
बेलक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, बेअधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, और बेनीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। एक तरह से यही इनके उद्देश्य भी हैं। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। और समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास भी किया है। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण और कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि प्रयासों को दर्शाते हैं। एक बात मैंने बताया था आप लोगों को कि न्यूनतम जो मजदूरी निर्धारण की बात की जाती है, सबसे खतरनाक बात यही है, इसमें आप देखेंगे एक कानूनी अधिकार है, एक तरह से आप सरकार की जिम्मेदारी बनती है और इन्हीं का फायदा उठाते रहते हैं। दिल्ली सरकार नहीं कर रही है, एक काफी जागरूक सरकार मानता हूं मैं, जब वो नहीं करवा पाई है, इसे लागू नहीं करवा पाई है, तो बाकी राज्यों की तो दूर दूर तक छोड़िए आप लोग। तो ये सरकार का कर्तव्य था एक तरह से। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन का योजना आदि सम्मिलित है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सभी राज्यों के ऊपर निर्भर करता है, उनका कर्तव्य है कि इन्हें लागू किया जाए। तो ऐसे भी बड़े ध्यान से आप लोग याद रखिए। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात करें, माफ करिए, मौलिक कर्तव्य, इसे भी आप देखेंगे कि ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है प्रीलिम्स में, क्या ये मूल जब मूल संविधान था उसमें था प्रावधान? बिल्कुल नहीं था। इसे आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ये आप देखते हैं कि भाग चार, संविधान के भाग चार में आर्टिकल आपको दिखाई देगा 51 का या 51 ए में आपके मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार भी जोड़ा गया। और इसे कहते हैं कि सोवियत संघ से लिया गया है। कहां? सोवियत संघ से। सोवियत संघ कहने का मतलब है कि आज का रूस कहते हैं, वही पहले सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है। 1991 में आप जाते हैं कि विघटित हो जाता है, शीत युद्ध खत्म हो जाता है। 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने में के संबंध में संविधान मौन है। अब एक तरह से मैं यही बात कर रहा हूं कि आप किसी से याद रखिए, ये बातें होती हैं, ये जरूरी भी हैं मुझे लगता है। अब कई लोगों को लग सकता है कि बातें ज्यादा होती हैं, लेकिन मुझे लगता है जरूरी है। और आपके पास सुविधा है, आप बड़ा कोई घटा भी सकते हैं, जो भी करना है। आप सोचिए, सामने वाला आप किसी से रिश्ता कोई बनाए हुए, तो आप तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, सामने वाला कर्तव्य निभा रहा है या नहीं निभा रहा है ये उस पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो इसी तरह आप ऐसे कोई संविधान में ऐसा नहीं है कि लागू जबरदस्ती कर दे कि आपको अपने कर्तव्य मानने ही होंगे, ये आप पर निर्भर रहता है कि आप अपने कर्तव्य मानिए। नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त हमें मौलिक कर्तव्य अधिकार नहीं देता है। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश में से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है, ठीक है। और ये याद रखिए आप लोग कि आपको अगर अधिकार दिए गए तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस तरह का कहीं अगर विरोध हो रहा है, आप अगर सरकारी संपत्ति कहीं जल रही है तो उसे बुझा दें, समझ रहे, या इस तरह की तोड़फोड़ चल रही है तो वहां रोकने की कोशिश करें, ये तो आपका कर्तव्य देखता है। और देश की एकता अखंडता को बनाए रखना आपका कर्तव्य है, मुझे लगता है, ठीक है। अब आप कहां पहुंचे और क्या समझिए, ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 30 लाख लोग शहरों में बेघर हैं। इनमें से 5% लोगों के लिए रात में सोने की जगह भी नहीं है। इनमें से सैकड़ों बूढ़े और बीमार बेघर लोगों की जाड़े में शीतलहर में मृत्यु हो जाती है। उन्हें निवास का प्रमाण न दे पाने के कारण शासन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र नहीं मिल पाते। इसके अभाव में उन्हें जरूरतमंद मरीजों के रूप में सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती है। इनमें से एक बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, और जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है, वे मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में से शहरों में आते रहते हैं। इन्हें आप जिस भी शहर में रह रहे हैं उस शहर में भी आप लोग इन लोगों को देखते होंगे। और जब आप देखते होंगे नागरिकता सिद्ध करने की बात आती है तो ये लोग कहां से अपनी नागरिकता सिद्ध करेंगे, जिनके पास अपने वोटर आईडी नहीं है, अपना घर नहीं है, अपना कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बाहरी शरणार्थी ही लोग हो सकते हैं, ऐसे अभी भी आप लोगों ने, मैं कहीं इंटरव्यू देख रहा था अभी,
कि किसी व्यक्ति ने उनका घर छुड़ा लिया, उसे घर बेघर कर दिया है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनमें भी ये देखने को समस्या आपको देखने को मिलती है। और दिन दहाड़ी पर ये काम करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ये काम के लिए भी जाते रहते हैं। इनके बच्चों की जिंदगी क्या रहती है उसे आप लोग भी जानते हैं। आप इन तथ्यों के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजें और आपकी याचिका में निम्न दो बातों का उल्लेख होना चाहिए। इन बेघरों लोगों के कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? आप सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रकार का आदेश देने की प्रार्थना भी करेंगे। और याद रखिए, ऐसा नहीं कि जिसके कई बार आप लोग देखते होंगे कि, और देखिए संभावना भी पूरी यही रहती है कि जो MPPSC है, जैसे आपका 3 नंबर की भी पूछ लेता है या 6 नंबर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आप लोगों के, तो मुझे लगता है वहां पूछा जा सकता है। कभी भी नीति निर्देशक तथ्यों में और मौलिक अधिकारों में संबंध भी लिखने को आ सकता है, और आपका सिविल सर्विस में भी पूछ सकता है, और कहीं भी आपका आ सकता है। या अंतर बताने के लिए इनमें जो भी अंतर है इसमें, उन्हें भी तुलना करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व तो उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व तो पूरे समाज के हित की बात करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो अधिकार है ये स्वयं व्यक्ति के बारे में देखते हैं, और नीति निर्देशक क्या करते हैं, पूरे समाज को ध्यान में रखते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं, यानी कि इन दोनों में टकराव भी कई बार देखने को आपको मिलता रहता है। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्ति के हित से ऊपर हैं, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया, जो आपका 44वें संविधान संशोधन की बात कर रहा था ना मैं, यही है। इसी में आपका आर्टिकल वो जो अधिकार आपका 7वां था, संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया था। 1978 की बात कर रहा हूँ। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। और मुझे लगता है आप लोग भी नहीं कह सकते हैं कि 44वां संविधान संशोधन गलत था। यानी कि कहने का मतलब संपत्ति के जो भी आपका मौलिक अधिकार था इसे हटाना गलत था, क्योंकि आप सोचिए कि कोई भी ऐसा है कि आप कितनी भी संपत्ति रख सकता था उसकी संपत्ति को। और उस समय तो हम लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे थे देश में। आप देख रहे थे किस तरह की असमानता थी और देश के किन समस्याओं से जूझ रहा था। तो अच्छी बात है, आजादी के बाद आपने देखा है बहुत बड़े बदलाव भी होते रहे और अभी भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू है। आप सभी जानते हैं कि 1947 में भले ही आपको आजादी मिल गई, आजादी किन लोगों से मिली थी? अंग्रेजों से मिली थी, और आजादी केवल कुछ लोगों को ही मिली थी। एक तरह से आप कह सकते हैं सरकार के हाथों में आजादी आई थी, उसका बंटवारा सरकार को करना था आने वाले दिनों में, समझ रहे हैं? लेकिन सरकार अपने बंटवारे से चूक गई, उसी का परिणाम आज भी आप लोग देखते रह रहे हैं। आज भी सरकारें चूकती रह रहे हैं। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो उद्देश्य की अगर बात आती है तो लोगों का कल्याण करना, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय करना, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। उद्देश्य भी आप लोगों लिखने के लिए कभी पूछ लेता है, पूछ लेगा कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आखिर क्या है। ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इन्हें भी आप लोग ध्यान रखिए। नीतियों की अगर बात करें हम लोग, समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन। आप समझिए जो ग्राम पंचायतों की बात होती है, महात्मा गांधी इसके पक्षधर बहुत बड़े स्तर पर थे, उन्हीं की एक तरह से देन भी कही है इसे, ठीक है। और संविधान में आप सोचिए जगह जो मिली हुई है उन जो 73-74वें संविधान संशोधन द्वारा मिली है, ये अगर गांधी जी कुछ समय के लिए जिंदा रहते, आप जानते हैं 1948 में उनकी डेथ हो चुकी थी, यानी कि उन्हें मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी, तो आप समझिए उसी समय संविधान में इन्हें जगह मिल जाती, ठीक है। ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है, पर्याप्त जीवन यापन का, महिलाओं पुरुषों को समान काम करने की मजदूरी का, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख,
और शिक्षा का, एक तरह से अपवाद कह लीजिए, फिर चाहे इनके विरुद्ध आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है इससे। ठीक है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था कि मूल संविधान में संपत्ति अर्जन स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अध्ययन कर सकती है, और अभी भी आप देखते हैं करती रहती है। 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। और 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया है। अगर अब आपकी संपत्ति से कोई छेड़छाड़ करता है तो आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अधिकारों का एक तरह से के तहत आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और याद रखिए 1978 की बात तभी की कर रहा हूँ जब आपकी इमरजेंसी खत्म होती है 77 में, और 78 में चुनाव होते हैं तो जनता पार्टी बनती है और एक देखते हैं आप लोग कि इंदिरा गांधी हार जाती हैं। इसने एक और भी जटिल वाद विवाद को जन्म दिया है, वह संविधान के संशोधन से संबंधित था। सरकार के मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय से पर्याप्त समाप्त हुआ, और इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं और संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, और इसे हमें नए वे अध्याय संविधान एक जीवन दस्तावेज में विस्तार से पढ़ेंगे हमें आने वाले समय में। और आप लोगों का क्वेश्चन से भी रहता है कि केशवानंद भारती जो अभी कुछ ही समय पहले डेथ भी हुई उनकी, तो क्या वो जीते थे? नहीं, उसमें उनकी हार हुई थी। ठीक है, लेकिन संविधान को एक बहुत बड़ी अच्छी दिशा, देश को अच्छी दिशा मिल गई थी। ठीक है, 1973 की बात कर रहा हूं, इन्हें भी देखते रहा करिएगा। ठीक है, अब आप कहां पहुंचे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों की घोषणा पत्र, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ें। दोनों सूचियां में आपको कौन कौन सी बातें एक समान लगती हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने नए अधिकारों की घोषणा पत्र में क्यों रखा? यदि आपको एक नए राष्ट्र के निर्माण लिए संविधान बनाना हो तो उसके लिए आप क्या सुझाएंगे? एक बात आपको बड़ी अच्छी देखने को मिलेगी, जो दक्षिण अफ्रीका के मौलिक मतलब अधिकारों में सम्मिलित हैं वो हमारी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है कुछ तत्व। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में निष्कर्ष देखिए, महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले, इनकी जीवन रहता है 1827 से 1890 तक, की रचनाओं में हमें सर्वप्रथम यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ तथा इस संविधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किए जाने लगा। हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षण की भूमिका भी निभाई है। न्यायिक व्याख्याओं में ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत भी किया है। हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम करती है और अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। और आने वाले समय में अधिकार परिभाषित होते रहते हैं और नए नए अधिकार जुड़ते रहते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें भी आप लोग देखते रहिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पर डाल दीजिए, वहां से डाउनलोड करिए और देखते रहिएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपके दो चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब आगे आपका चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, चुनाव और प्रतिनिधित्व। ये पूरा मुझे लगता है कि सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे बच्चों को लिए ही नहीं है, वैसे भी आप अगर भारत में रह रहे हैं तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। आपको अपने चुनाव के बारे में, प्रतिनिधि जिन्हें आप नेता कहते हैं उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, मिलते हैं हम लोग।